यह शिल्पा राव और रितेश कृष्णन का एक साथ दूसरा वेलेंटाइन डे होगा। उन्होंने पिछले साल जनवरी में शादी की और उनका मानना कि उनका रिश्ता मजबूत और गहरा हो गया है। मुझे लगता है कि हर दिन वेलेंटाइन डे है, राव कहते हैं, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं और दायित्व है। हमारे पास ऐसे दिन है जहां हम बस आराम करते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। मेरा मानना कि साल भर में कई दिन हमारे लिए वेलेंटाइन डे होते हैं। कृष्णन सहमत हैं और कहते हैं कि वे केवल एक साथ समय बिताना चाहते हैं। सुंदर आश्चर्य, वे कहते हैं। युगल तब चर्चा करते हैं कि उनके लिए प्यार का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कृष्णन के लिए खुद की तरह और एक दूसरे के साथ खुश रहना, और राव के लिए खुद की तरह और एक दूसरे के साथ खुश रहना। यह केवल तभी होता है जब आप एक व्यक्ति के रूप में प्रसन्न होते हैं कि अन्य रिश्ते आपकी खुशी को प्रतिबिंबित करेंगे। प्रेम आत्म प्रेम और किसी और से प्रेम करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। पिछले साल उनकी शादी के बाद से उनका वी डे कैसे बदल गया है? हम काफी पहले यात्रा करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हम फरवरी में जिग्स के लिए कहीं घूमने जाते थे। कोविड-19 सीमा के कारण हमने जश्न मनाना बंद कर दिया है, राव ने खुलासा किया।